इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे, किसी और से मेरी शादी का सुनकर तुम्हारी जान निकलने। बहुत मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहा था कि काश आज हमारी शादी हो रही होती। इतनी प्यारी लग रही हो ना तुम, मैं क्या बताऊँ। प्लीज आंटी से कहना कि जल्दी आ जाए, फिर हम चलते हैं। मेरी बात का यकीन कर, मेरी चुप चुप क्या क्या कर रही है आप? ये सब मत कर, मत करें प्लीज। सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं मैं। तीन बोल बोल कर ना कब का तुम्हें फारिग कर दिया था। मेरा क्या कसूर है इसमें? चाहते थे क्या कसूर था मेरे मासूम भाइयों का? या फिर मेरा पूछे तो कहना मैं सो रहा हूं। सेम बीबी से तो पहले ही मुझसे बात है नाराज। जाफर जी बेबी से छोटे साईं का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? वो छोटे साईं आराम कर रहे थे और फोन उनका मेरे पास था। आपकी कॉल आई तो मैंने रिसीव कर ली। बात करवाओ मेरी अपने साईं से। लेकिन वो सो रहे हैं। सो रहे हैं तो उठाओ ने, कहो बात करनी है मुझे। बेबी से कैसे उठाओ ने? वो बड़ी मुश्किल से उनकी आंख लगी है, बहुत तकलीफ में है। जाफर मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल नहीं सो रहे हैं तुम्हारे साईं। बात करवा रहे हो या नहीं? बीबी सिंह मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा बीबी सिंह वो उठते हैं तो फिर मैं बात करवा देता हूँ आपकी उनसे। जाफर अगर तुमने बात नहीं करवाई मेरी साईं से तो मैं बाबा साईं से तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। आप इतनी छोटी सी बात भी आप बाबा सही से मेरी शिकायत कैसे कर सकती हैं? जैसे ही छोटे सही उठेंगे मैं खुद आपकी बात करवा दूंगा। जाफर जाफर शर्वान की शायद भी कर रहा है सब कुछ। वैसे छोटे सही किसी दिन आपकी वजह से ना बीबी साईं के हाथों मेरी जान चली जाएगी। तो दे देना, वैसे भी मुझ पे जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हो तुम तो। वो बात तो आपकी ठीक है छोटे साईं, मगर ऐसे जनाना हाथों से मरकर मेरी रूह दर बदर फटके से। मैं तुम्हें अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ।
मेरे घर वाले शादी पे जोर डाल रहे हैं, मैं और अब इंतजार नहीं कर सकता। कलर तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी शादी वाले दिन ना यही रंग पहना। तुम्हारा महबूब ना तुम्हें बेच कर गया मेरे पास पूरे पैसे गिनती करके। अब प्लीज 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 मुझे छोड़ के मत जा, मैं मर जाऊंगी। मर गया मेरा बाप, आज जो मैंने सुना ना उसके बाद अगर मेरी कोई बेटी होती भी तो वो भी मर गई होती। इस दहलीज के आगे कदम रखा ना तो जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। अल्लाह का वास्ते इसको अंदर आने दे। अम्मा मुझे आने दे, मैं आपको बताती हूँ। अम्मा मेरी हट हट, तेरी जैसी हो बाश लड़की की इस घर में कोई जगह नहीं है। अच्छा दबाओ जाओ। मतलब भाभी दुआ की बहन है और तूने उन्हें पहचाना नहीं? कैसे पहचानता भाई, मैं चेहरे पे सहरा डाला हुआ था। कहाँ जाके गाड़ी रुकी है, किन गलियों में गई है, किस टेंट में हम अंदर गए हैं। और वैसे भी उसके घर वालों को नहीं मैं पहचानता था, मैं पहले कहाँ मिला था उनसे। अच्छा इतना भड़क क्यों रहा है? भड़क नहीं रहा, मैं बस कह रहा हूँ कि उसको उल्टी सीधी बात मत करना, मेरा दिमाग पहले घुमा हुआ। अच्छा रिलैक्स, नहीं करता। दुआ तो तुझे पहचान गई होगी ना? इससे मेरा सामना नहीं हुआ। क्या मतलब सामना नहीं हुआ? बहन की शादी में उसने अपने बहनोई को नहीं देखा। मैं वो शादी में होती तो पहचानती ना, सामना होता। तो कहाँ थी वो? बस जिस तरह मेरे साथ उसका ताल्लुक था और भी पता नहीं किस किस से था। गई थी उस दिन किसी से मिलने के लिए, उसके बाद वहां से गायब हो गई। घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो उसकी तबीयत खराब है इसलिए बाहर नहीं आ रही, अंदर ही है। असल बात तो ये थी कि वो सिफाशी के अड्डे पे गई हुई थी, वहां पे पुलिस का छापा पड़ा है और पुलिस उसे ले गई है। क्या बात कर रहा है यार, मतलब मुझे तो वो ऐसी लड़की नहीं लगती। तो यार मुझे भी ऐसे ही लगता था ना, लेकिन लगने में और होने में बड़ा फर्क होता है। नहीं यार मतलब मेरा दिल नहीं मानता कि वो ऐसी लड़की है। हाँ तो ना मानना भाई, लेकिन तेरे ना मानने से उसकी हकीकत तो नहीं बदलती ना। मतलब तेरा सामना अभी तक दुआ से नहीं हुआ और वो ये नहीं जानती कि तू उसका बहनोई है। हाँ ऐसा ही है। अब जब तू उससे मिलेगा तो बहनोई की हैसियत से मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो। उसके बाप ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया तो ऐसा नहीं होगा। बेचारी तुम्हें वो बेचारी लगी? यहाँ मेरी शादी की पहली सुबह जो है वो बर्बाद हो गई है, जहन्नम बन गई है और तुम्हें वो बेचारी लग रही है? भाई तेरी तो सुबह खाली जहन्नम बनी है ना, मुझे लगता है उसकी सारी जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। कहीं तूने तो उसके साथ तो क्या इल्जाम लगाने के लिए तुझे मैं ही मिल रहा हूँ? दोस्त है या दुश्मन? अच्छा यार गुस्सा क्यों कर रहा है? बस बहन में ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया। बस अपने ख्याल जो है ना अपने पास रखो, समझे? तुम्हें ये मैंने बता दिया कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं रहा था, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद उसने क्या किया है, क्या कुछ हुआ है मुझे नहीं पता।